नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। पटना से राघोपुर दियारा क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र पीपा पुल खोल दिया गया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण इस पीपा पुल को खोल दिया गया है ताकि इस पर किसी तरह की कोई भी गाड़ियों का आवागमन ना हो। हालांकि यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा राघोपुर क्षेत्र पड़ता है और इसी पीपा पुल के माध्यम से राघोपुर के जितने भी दियारा वासी हैं वो अपने दैनिक कार्यों के लिए इस पीपा पुल के माध्यम से पटना सिटी और कई जगहों पर जाते थे। हालांकि यह एकमात्र पीपा पुल जो है दियारा क्षेत्र वासियों के लिए लाइफ लाइन माना जाता है, क्योंकि इसी रास्ते के माध्यम से होकर राजधानी पटना के लोगों को अगर दियारा क्षेत्र में काम होता है या फिर दियारा क्षेत्र के लोगों को पटना में अगर काम होता है तो इसी पीपा पुल के माध्यम से लोग आते जाते थे और यही एकमात्र साधन था पीपा पुल आने जाने का। लेकिन अभी जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें पीपा पुल को खोल दिया गया है क्योंकि गंगा के बढ़ते जल स्तर ने काफ़ी परेशान कर रखा था और ऐसा माना जाता है कि जून महीने में जो है 15 तारीख के करीब है इस पीपा पुल को हर साल खोल दी जाती है। अब उसके बाद पीपा पुल के खुल जाने के बाद जो है कई तरह की परेशानियों का सामना इन दियारा वासियों को करना पड़ता है। आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं नाव के माध्यम से जो सरिया है उसको सरिये को नाव पर लादा जा रहा है और उसी नाव के माध्यम से जो है यह जो है नाव दियारा क्षेत्र में जाएगा और वहां जाकर कई तरह के व्यावसायिक वाहन जो है इस पीपा पुल के माध्यम से गुजरते थे और उसके खुल जाने के बाद जो है एकमात्र साधन अब नाव ही रह जाता है। हालांकि नाव पर सफ़र करने में काफ़ी इन दियारा वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और उससे लिहाज से अगर ये लोग गंगा के लहरों में सफ़र करते नाव के द्वारा तो उनको हमेशा खतरा बना रहता है कि कब इन गंगा के लहरों में कुछ दुर्घटना ना हो जाए। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, दियारा वासी के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर किन किन तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है इस यात्रा के दौरान। जी आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राघोपुर के रहने वाले हैं। किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये पीपा पुल खुल गया है, पीपा पुल खुल जाने से बहुत तरह से परेशानी हो रही है। ये मात्र एक पीपा पुल था राघोपुर और पटना का जोड़ने वाली, इससे क्या राशन खाने पीने के सामान या यानी हर यानी या राशन हो चारा का सामान हो या मकान बनाने का सामान ईटा हो या आपका सीमेंट हो, मात्र एक नाव ही साधन है ले जाने के लिए। इससे बहुत परेशानी हम लोग को हो रही है और ये गंगा को देखते गंगा के जलस्तर बढ़ने से पीपा पुल खोल दिया गया। ये नाव से जाने से क्या खतरा बना हुआ रहता है, कब क्या हो जाए आदमी को, इसके कारण बहुत दिक्कत है राघोपुर के लोगों को। शादी विवाह की बहुत परेशानी है, अभी अगर 10 दिन या 15 दिन और पीपा पुल रहता तो लोगों को लगन पार हो जाता। अब गाड़ी घोड़ा भी है यानी नाव पर चढ़ाना और उतरना पड़ रहा है, उससे बहुत खतरा है, कब क्या हो जाएगा, हादसा भी हो सकता है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे दियारा वासी के लोग हैं उनका चिंता आप साफ देख सकते थे कि इस पीपा पुल के खुल जाने के बाद जो है उनकी चिंता किस कदर उन पर हावी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि एकमात्र सहारा नाव ही बच जाता है आवागमन का, उसके बाद जो है कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है नाव के आने के माध्यम से। एक और शख्स हैं उनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइए कि पीपा पुल किस महीने में हमेशा हर साल खुलता है? देखिए ये पीपा पुल जून के 15 जून को खुल जाता है हरेक साल और हरेक साल आने वाले बरसात का दिन जब स्टार्ट होती है यानी आषाढ़ के महीना में जून के समय ये पीपा पुल खुल जाता है और इस समय लगन का दिन भी रहता है, शादी विवाह का रहता है। ये वैशाली जिला के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र पटना से जोड़ने वाला लाइफ लाइन पुल ये है।
इससे लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन अपने जीवन उपार्जन के लिए भी पटना आते जाते हैं। लेकिन ये पीपा पुल जब खुल जाती है तो नाव के सहारे आने में काफ़ी परेशानी होती है। इससे आने वाले दिनों में काफ़ी दुर्घटना भय व्याप्त रहता है और दियारा क्षेत्र के लोगों को मार्केटिंग भी कच्ची दरगाह बाजार जो पटना इलाका में पड़ता है इससे भी प्रभावित होता है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे लोगों की समस्याएं अपनी अपनी। हम आपको बता दें कि दियारा क्षेत्र में करीब राघोपुर में करीब लाखों की आबादी अपना जीवन गुजर बसर करती है और यही एकमात्र सहारा पीपा पुल बच जाता है जिसके माध्यम से लोग आवागमन करते थे। और अब पीपा पुल जो है खुल गया है उसके बाद से एकमात्र सहारा नाव ही बच जाता है जिसे वो आवागमन करते हैं। और उस दरमियान इन लोगों को काफ़ी खतरा महसूस रहता है कि कब किसी तरह की बड़ी घटना ना हो जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से पीपा पुल के खुल जाने के बाद दियारा वासियों में बेचैनी है और उसके बाद जो है नाव से आवागमन करने के बाद जो है इनको कि कभी इनको कि बड़ी बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है और इस नाव के दुर्घटना हो जाने से कई तरह के लोगों की जान भी चली जाती है। और हम आपको बता दें कि ऐसे पीपा पुल के खुल जाने के बाद जब नाव से आवागमन करते हैं तो बड़ी दुर्घटनाओं का होना लाजमी है क्योंकि कई बार ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है जिससे लोगों की जान भी जा चुकी है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।